वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे हमारे हिंदी का पेपर पैटर्न, हिंदी का पेपर कैसे आने वाला है, उसमें चैप्टर्स को कितना वेटेज है, पोएम्स को कितना वेटेज है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। एक्चुअल में हिंदी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पर मैं चाहती थी कि आपको थोड़ा सा मैं वैल्यू एडिशन कर सकूँ। आपको अगर हिंदी के लिए थोड़ी सी भी मेरी मदद हो सकती है तो वह मैं करना चाहती हूँ। अब देखिए हिंदी में क्या है, कितने मार्क्स का पेपर है, कैसा पेपर है। तो उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे, इन्होंने अपने को एक एग्जाम का जो प्रारूप या स्वरूप जो भी इसको बोलते वो दिया है। एग्जामिनेशन 3 आवर्स का है, जो आपको टोटल मार्क्स है वो 80 है, मतलब आपका रिटन पेपर 80 मार्क्स का है। उसके बाद अब आपको गद्य यानी चैप्टर्स 20 मार्क्स के पूछे जाने वाले चैप्टर से क्वेश्चन, पद्य यानि पोएम्स से आपको 20 मार्क्स के पूछे जाने वाले। अब ये विशेष अध्ययन जो है वो आपका 10 मार्क्स का होगा। व्यावहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश, मतलब जो आपके बुक में नहीं है ऐसा कोई चैप्टर वगैरह रिलेटेड 20 होगा। एंड व्याकरण का जो है यानी जो अपना ग्रामर होता है उसको 10 मार्क्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये जो गद्य विभाग एक है उसको 20 मार्क्स है, उसमें क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो आकलन कृति, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति, ये परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में होगा। मतलब यानी शायद आपको एक पैराग्राफ देंगे जिससे आपको ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने, और इसको ये जो बीट अ है उसको है 6 मार्क्स। इसके जैसे ही नेक्स्ट भी शायद आपको ऐसे ही क्वेश्चन पैराग्राफ देंगे, उसको भी 6 मार्क्स है। अब लघुत्तरी यानी बड़े क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस का आंसर आपको बड़े मतलब ज्यादा वर्ड्स में लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको लघुत्तरी यानी छोटे क्वेश्चन आंसर्स, दीर्घोत्तरी यानी बड़े क्वेश्चन आंसर्स। हाँ, थोड़ा हिंदी में मुझे भी प्रॉब्लम हो गया है, बहुत दिन हो गए पढ़ के हिंदी, और वैसे भी मेरा संस्कृत हुआ करता था। तो लघुत्तरी यानी छोटे क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें आपको सपोज आधा पेज, याद रखो लैंग्वेज का कोई भी पेपर हो, चाहे मराठी हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो, आपको यहाँ पे भर भर के पेपर लिखना पड़ता है तभी जाके मार्क्स मिलते हैं। और ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख के आ जाओ, थोड़ा तो रिलेटेड लिख के आना, ठीक है, एग्जामिनर पे इतनी तो दया करना ताकि वो आपका पेपर चेक करते करते ऊपर ना चला जाए। ठीक है, तो ये जो है वो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अब एक वाक्य में उत्तर दो, ये भी आपको 4 में से 2 के उत्तर देने हैं जो आपको 2 मार्क्स के लिए होंगे। अब विभाग 2 पद्य यानी पोएम्स, जो कि 20 मार्क्स को आने वाले हैं, जिसमें से आपको यहाँ पे पोयम देंगे 8 से 12 लाइन की, ये होगा 6 मार्क्स का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने हैं। दूसरा भी वैसे ही पोयम्स होंगे, वो भी क्वेश्चन 6 मार्क का है। अब रसास्वादन कीजिए, मतलब 2 में से 1, अब ये क्या है क्वेश्चन आपको पता होगा, पर ये क्वेश्चन भी 6 मार्क्स का है। और हिंदी बहुत छोटी बुक है, हो सके तो पढ़ लीजिएगा। एंड अगर आपके पास हिंदी का नवनीत का डाइजेस्ट है तो उसमें से अगर आप ट्रांसलेशन या फिर क्वेश्चन आंसर्स एक बार भी पढ़ लोगे तो आपके लिए मेरे हिसाब से वो इनफ होगा, यानी उससे आप कम से कम 70-80 मार्क्स तो ला सकते हो हिंदी में, अगर ग्रामर छोड़ भी दिया तो। अब साहित्य संबंधित ज्ञान वगैरह जो भी है वो 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें मेरे हिसाब से आपको ये पूछा जाएगा कि लेखक कौन है इस पोयम का, देन उसके बाद लेखक से रिलेटेड कुछ वो क्या क्या उन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन से बुक्स लिखे हैं, ये बातें यहाँ पे पूछ सकते। अब विशेष अध्ययन, यहाँ पे भी 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जो आपको लिखना है। देन उसके बाद लघुत्तरी, छोटे क्वेश्चन आंसर्स जो 4 मार्क के लिए आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद व्यावहारिक, जो अपठित गद्यांश यानी जो आपका अनसीन पैसेज टाइप है, जो आपके बुक में का पैसेज नहीं है वगैरह, वो आएगा। अब दीर्घोत्तरी क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको दीर्घोत्तरी लिखना है 6 मार्क के लिए यानी बड़ा क्वेश्चन। देन उसके बाद परिच्छेद जो भी है आपको लगभग ये तीनों क्वेश्चन जो है वो 2-2 मार्क के सॉल्व करने हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे और में भी बहुत कुछ दिया है तो ये आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, सॉरी मैं आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, बस ये PDF मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। और ये रहे बाकी शब्दावली वगैरह, ये क्वेश्चन आंसर्स, और ये भी अनसीन पैसेज से ही रिलेटेड है, उससे ही रिलेटेड आपको आकलन कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति यानी पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन ये हो सकता है। देन व्याकरण आपको 10 मार्क का है,
जिसमें आपको अलंकार, कौन सा अलंकार है ये पहचानना है, रस पहचानना है, मुहावरे का अर्थ लिखना है। सपोज मैंने बोला, अब जैसे मराठी में रहते ना, नाचता यही ना आंगन वाकड़, मतलब डांस तो आता नहीं और बोल रहे कि ये आंगन ही टेढ़ा है, ऐसे नहीं चलता ना। तो ऐसे जो कुछ है मुहावरे, उसका अर्थ आपको लिखना है। मैंने जैसे आपको मराठी में समझाया, वैसे वहां पे आपको जो है वो हिंदी में आएगा और आपको हिंदी में ही ट्रांसलेट करके लिखना पड़ेगा। और मैं बात मराठी मीडियम स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ, मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों ने मराठी ही सब्जेक्ट चुना होगा। जिन्होंने हिंदी चुना है वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हो सकते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा शुद्ध हिंदी लिखना सीखिए और पेपर में भी शुद्ध हिंदी का प्रयोग कीजिए, वरना आप लिखोगे मतलब थोड़े अपने मराठी हिंदी मिक्स करके लिखोगे तो शायद ही आपको एग्जामिनर को हंसा सकता है और आपके लिए प्रॉब्लम भी बन सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। देन वाक्य शुद्ध कीजिए। आपको इसमें चार सेंटेंस दिए जाएंगे जिसमें से दो को आपको जो है वो प्योर हिंदी में कन्वर्ट करके लिखना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग इसमें पूरा सेंटेंस ही पूरे हिंदी में कन्वर्ट करके लिख देते, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको देखना है कहाँ पे कौन सा चिन्ह लगता है, या फिर कहाँ पे वेलांटी, उकार, काना, मात्रा ये गलत है, वो आपको सही करना है। देन उसके बाद कुछ सूचना दी गई है जो आपको खुद से पढ़नी है। अगर मैंने ये वीडियो से आपके हिंदी में थोड़ा भी वैल्यू एडिशन किया होगा तो वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए एंड अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बताइए। चार सब्जेक्ट इको, एसपी, ओसी, अकाउंट्स, ये सब्जेक्ट के लिए मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस रिवीजन के प्रोवाइड कर सकूं। हिंदी इंग्लिश ये मेरे सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैंने आपको कुछ देने की कोशिश की है मेरी तरफ से, और मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर करें। तो एक बार अगर ये वीडियो कुछ पसंद आया या फिर उसमें कोई भी मिस्टेक है तो मुझे फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।